नमस्कार, मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आपका बतकही में। आज बतकही बजट पर। पीएम मोदी की नेतृत्व वाली मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश हो चुका है और इसी के साथ साथ आम आदमी और उसमें विशेषकर मध्यम वर्गीय को क्या मिला, इस पर बात करेंगे। पहली खबर आवास से जुड़ी हुई, जहां एक और पीएम आवास योजना ने गरीबों को अपनी छत देने का पूरा काम किया। इसके बाद अब मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी मोदी सरकार एक बड़ी सौगात लेकर आ रही है। इसी के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार जो किराएदार बनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको अपना घर बनाने में मदद करेगी मोदी सरकार। दूसरी खबर बिजली से जुड़ी हुई, भारत सरकार की ओर से अब सोलर पावर पॉलिसी के तहत 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के तहत बिजली देने का काम किया जाएगा और इसके तहत 1 करोड़ उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी काम सरकार करने जा रही है। तीसरी खबर टैक्स से जुड़ी हुई, अब टैक्स देने की जरूरत उन्हें नहीं है जो 7.5 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, यानी 62,000 रुपए प्रतिमाह कमाने वाले लोगों को अब टैक्स से छूट दे दी गई है। चौथी खबर आप हम और सबके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अब आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ सरकार अब हर जिले में एक अस्पताल खोलने की घोषणा कर चुकी है। पांचवी खबर एग्री सेक्टर से, एग्री सेक्टर के तहत अब डेयरी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लेकर आने वाली है केंद्र सरकार। इसी के साथ साथ 1,361 मंडियों को सरकार ई नाम से जोड़ेगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें बतकही के साथ। धन्यवाद।